हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अबाउट इथिक्स इन द क्लिनिकल ट्रायल. और इथिक्स तो सबको पता है, दे आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमको यूज करने होते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द क्लिनिकल ट्रायल. सो जो हमारी गाइडलाइंस है, ठीक है, पता है हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हमारी आई. स्टार्टिंग करी थी हमने न्यूरेम्बर्ग कोड से, ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था एग्जिस्टेंट में, आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ नाजी एक्सपेरिमेंट. जो नाजी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सब हम डिटेल में कर चुके हैं. न्यूरेम्बर्ग कोड की का आपका कैसे ओरिजिनेट हुआ था, उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा सेकेंड आपका गाइडलाइंस है, ठीक है, जिन्हें क्या बोला गया, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, जो 1964 में एग्जिस्टेंस में आई, इसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अब बात ये आती है कि जो ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी सिचुएशन हुई, क्योंकि देखो कोई भी गाइडलाइन आई ना, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जरूर था. लेकिन अगर न्यूरेम्बर्ग कोड की मैं बात करूं तो उसके पीछे नाजी जो एक्सपेरिमेंट था उसकी ब्रुटैलिटी, उसकी क्रुएलिटी ने मजबूर कर दिया कि इस टाइप की गाइडलाइंस को बनाने के लिए. सेम आपका जो हेलसिंकी का जो डिक्लेरेशन आया, इससे पहले भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने आपका डिक्लेयर किया और उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है. सो पहले हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री कि कैसे आपका ये डिक्लेरेशन आई थी, कौन सा ऐसा इंसिडेंस था. तो जो इंसिडेंस है बहुत कॉमन इंसिडेंस है, 1961 में हुआ था, आई होप सबको पता होगा, थैलिडोमाइड डिजास्टर, है ना, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. हम जनरली ये एग्जाम्पल देते हैं जब हम बात करते हैं कि फार्माको विजिलेंस के फेलियर की हम बात करते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है. सो थैलिडोमाइड डिजास्टर में हुआ क्या था, ये 1961 की बात है. तो थैलिडोमाइड जो ड्रग है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है. तो हुआ क्या, ये जो मेडिसिन थी मॉर्निंग सिकनेस में दी जाने लगी. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, मॉर्निंग टाइम में वॉमिटिंग होती है, उसके ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन आपकी डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब की. और हुआ क्या, आफ्टर डिलीवरी ये देखा गया कि जो प्रेग्नेंट फीमेल इस मेडिसिन को ले रही थी फॉर द मॉर्निंग सिकनेस, उनके जो बेबी थे उनमें आपका लिम्स डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. उस सिचुएशन को बोला, उस कंडीशन को बोला फोकोमेलिया, यानी कि आपके जो हाथ और पैर थे बच्चे के वो डेवलप ही नहीं हुए. तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने मजबूर कर दिया, ठीक है, जो अमेरिकन एसोसिएशन थी उसे मजबूर कर दिया कि वो ऐसी कोई गाइडलाइन बनाए जो इस टाइप की सिचुएशन को होने से रोक सके. बिकॉज अगर क्लिनिकल ट्रायल हुए होते, ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल में प्रेग्नेंट वुमेन को इंक्लूड किया होता, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन को इंक्लूड करना अगेन रिस्की जरूर है लेकिन हमें करना पड़ता है. अगर सपोज मेडिसिन आपकी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बनी है तो हमें टेस्ट भी तो उन्हीं पे करना पड़ेगा. तो ऐसी जो ये सिचुएशन हुई इसने आपकी गाइडलाइंस को चेंज करने पर मजबूर कर दिया. तो ये इसी की वजह से, ये जो इंसिडेंस हुआ था 1961 में थैलिडोमाइड डिजास्टर, इसी की वजह से आगे आने वाले साल में 1964 में डिक्लेरेशन आई ऑफ हेलसिंकी. हेलसिंकी बिकॉज ये जो डिक्लेरेशन हुई थी ये सिटी के नाम से इसे दे दिया, हेलसिंकी सिटी है तो उसके नाम से ही इसको डिक्लेरेशन दिया. तो ये डिक्लेरेशन आई, इस डिक्लेरेशन में कुछ आपके प्रिंसिपल्स थे जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स आए थे. लाइक न्यूरेम्बर्ग कोड में भी हमने 10 प्रिंसिपल्स देखे थे, वैसे ही हेलसिंकी की जो डिक्लेरेशन थी इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, बट इसमें आपका कुछ चीजें इंक्लूड हुई थी जो पहले नहीं थी, इसीलिए ये नई गाइडलाइन आपकी है बेसिकली. इसके बाद 64 में ये आपकी हेलसिंकी की गाइडलाइंस आई, आपकी डिक्लेरेशन आई. उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 75 में, आपका 1975 में आपका चेंजेस आए, फिर 2000 में आपका दूसरा आपका इसका वर्जन आया, 2008 में आया, देन द लेटेस्ट जो है 2013 का वर्जन है. तो इस तरह से अमेंडमेंट होते रहे इस डिक्लेरेशन में, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, बट स्टिल ये जो आपकी डिक्लेरेशन है बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बिकॉज कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इसमें कवर नहीं हुए थे. तो हमेशा जब कवर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, लोगों के इंटरप्रिटेशन के लिए रूम एक खाली हो जाता है.
है कि जो रिसर्चर्स हैं वो खुद से इंटरप्रिटेट करने लगते हैं, बिकॉज गाइडलाइंस, जब तक कंप्लीट गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है तब तक हर पॉइंट पे क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, तो सब जानते हैं ना. हम लोग बात कर रहे थे, चलिए इसकी हमें हिस्ट्री तो पता चल गई कि कहाँ से इसकी जरूरत पड़ी और क्यों ये डेक्लरेशन आई बेसिकली. तो इस डेक्लरेशन का मेन एम यही था कि जो हमारा पार्टिसिपेंट है, फर्स्ट उनकी हेल्थ को सेफ गार्ड करना, जितने भी नॉर्म्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना, ठीक है. बाकी आपका जो नॉर्म्स, ऑब्वियसली अलग अलग कंट्रीज अपने अपने नॉर्म्स देती है. मेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल कमिटी. पहले इथिकल कमिटी हुआ नहीं करती थी. इथिकल कमिटी इस टाइम पे डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी ने ये बिल्कुल मैंडेटरी बना दिया कि हर इंस्टीट्यूशन जो क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसकी अपनी इथिकल कमिटी होनी चाहिए. और जो इथिकल कमिटी में जो मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट उसका जो हेड होगा वो आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन से ही किसी को आपने हेड बना दिया, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो इथिकल कमिटी जो डिसीजन ले वो क्या हो, अनबायस्ड डिसीजन हो. अगर इंस्टीट्यूशन का अपना ही हेड होगा तो वहां पे बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में ज्यादा आपकी फोकस की गई, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो इथिकल कमिटी का इंट्रोडक्शन ही था. हमें पता है जब भी हम कोई ट्रायल कंडक्ट कराते हैं तो कैसे होता है कंडक्ट, प्रोसेस क्या होती है. सबसे पहले प्रोटोकॉल डिजाइन होता है, ठीक है, फिर वो प्रोटोकॉल इथिकल कमिटी के सामने जाता है रिव्यू होने के लिए. इथिकल कमिटी को अगर लगता है कि ये प्रोटोकॉल सेटिस्फैक्टरी है, हर सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तब जाके इथिकल कमिटी रिसर्चर्स को ये परमिशन देती है टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, और उसके बाद भी जब क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हो रहे होते हैं तो इन बिटवीन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ इथिकल कमिटी कि वो बीच बीच में इंस्पेक्शन करते रहे टू चेक कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं. क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल सही दिखा देने का मतलब ये नहीं होता, इस बात की कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो हो रहा है. बट एक बार आपका, चलो ठीक है, इथिकल कमिटी ने परमिशन दे दी, बट उसके बाद जब बार बार आपका क्या होगा, जब रिव्यू के लिए इथिकल कमिटी जाएगी, इंस्पेक्शन होंगे, तो उससे हमें पता लगेगा कि जो आपका ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोकॉल के साथ अडहेयर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. तो हो सकता है प्रोटोकॉल को फॉलो ना किया जा रहा हो. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इथिकल कमिटी की, अगर इंस्पेक्शन के टाइम पे उसे लगता है इथिकल कमिटी को कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो पूरा अथॉरिटी, पूरा राइट है कि वो स्टडी को स्टॉप करवा दे, ठीक है, या इनवैलिड आपका अनाउंस कर दे. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में आया. इसके अलावा भी आपके कुछ पॉइंट्स थे, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. कुछ पॉइंट ऐसे थे जो न्यूरम्बर्ग कोड में भी अवेलेबल थे, जो हमने पढ़ा है ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में, और कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इसमें स्पेशल आए. तो अब हम बात करेंगे अबाउट दी गाइडलाइन और दी प्रिंसिपल दैट वर स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर वन, ठीक है. तो प्रिंसिपल नंबर वन जो था आपका, वो क्या बोलता था कि रिस्क बेनिफिट का असेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेम एज न्यूरेम्बर्ग कोड. इन्होंने ये बोला कि अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ये लगता है कि रिस्क बेनिफिट से ज्यादा है, अगर जो स्टडी हो रही है उसमें जो रिस्क है वो बेनिफिट से ज्यादा है, तो आप स्टडी को उसी पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे. उसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं होता कि आप ये बोलें कि स्टडी को हमें कंटिन्यू करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करके हम कर देंगे. तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. अगर स्टार्टिंग पॉइंट में ही पता चल गया कि भाई वो तो फिर इथिकल कमिटी अप्रूव करेगी ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर स्टार्टिंग में पता लग जाए कि रिस्क ज्यादा है तो नहीं होगा. लेकिन अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द स्टडी ये ऑब्जर्व होता है कि रिस्क ज्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है रिसर्च करते करते बीच में आइडिया लगता है ना, तो उस पॉइंट पे स्टडी स्टॉप हो जानी चाहिए. ये आपका पहला प्रिंसिपल, पहली गाइडलाइन है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी की. ये रैंडमली गाइडलाइंस लिखी हुई है. ओके, सेकंड जो गाइडलाइन आपके पास पॉइंट है, जो प्रिंसिपल है, वो है वल्नरेबल ग्रुप. जो वल्नरेबल ग्रुप है आपका, ठीक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा आपका क्या है, सेंसिटिव ग्रुप है. लाइक अगर मैं बात करती हूँ प्रेग्नेंट वुमेन की, चिल्ड्रन की हम बात करते हैं, एल्डरली पीपल की बात करते हैं हम, ल्यूनेटिक्स की बात करते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसी पॉपुलेशन की स्पेशल केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ऐसे ग्रुप्स को देना पड़ेगा. एक स्पेशल आप इस चीज़ को अलग से आप ध्यान रखेंगे. अगर आपकी स्टडी में ये पॉपुलेशन, जैसे मैंने बोला थैलीडोमाइट डिजास्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था,
अगर आपकी स्टडी में ऐसी पॉपुलेशन इंक्लूडेड है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो ऐसे केस में आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा इन इंडिविजुअल्स को. ठीक है, ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल था. नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सेम जैसे न्यूरेम्बर्ग कोड में हमने बोला था कि अगर कोई भी स्टडी आपको कंडक्ट करानी है, रिसर्च कंडक्ट करानी है, तो उससे पहले उसका लिटरेचर रिव्यू, उससे उस डिजीज से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट, उस ड्रग से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स रिव्यू है, रिसर्च आर्टिकल है, आपको उनको रिव्यू करना है. प्लस आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि जो चीज आप करने जा रहे हैं वो उसके उसके पीछे आपके पास साइंटिफिक सपोर्ट का होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ आया और एकदम आप ट्रायल करने बैठ गए. आपको पहले पूरा उसका साइंटिफिक बेस, आपको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होगी कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं उसका पहले से आपके पास एक बेस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. ठीक है, कुछ आइडिया आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का भी रिजल्ट होना चाहिए. बिकॉज डायरेक्टली ह्यूमन सब्जेक्ट में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, आपके पहले आप एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, तो आपके पास अगर एनिमल स्टडी का कोई सपोर्ट नहीं है तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करा सकते हैं. तो ये थर्ड आपका प्रिंसिपल था. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है, इथिकल कमिटी शुड बी फेस प्रायर रिसर्च कंडक्ट. अगर आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इथिकल कमिटी को फेस करना पड़ेगा. ये हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इथिकल कमिटी किस तरीके से काम करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. ओके, नेक्स्ट जो है आपका, इथिकल कमिटी शुड बी अनबायस्ड. सेम पॉइंट कि आपकी जो इथिकल कमिटी है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, उसका जो डिसीजन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और वी कैन से इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस. कि ऐसा ना हो कि बहुत टाइम ये, क्योंकि आपका जो प्रीवियस जो सिनेरियो थे उनमें देखा गया ड्यूरिंग नाजी एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्व हुआ था कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड थे, ठीक है, जो लोग आपके आप बोल सकते हो जिनका सोशल या आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपका बहुत लो था, तो उन लोगों को जो पुअर पॉपुलेशन थी उन्हें ज़्यादा टारगेट किया गया था फॉर द रिसर्च सब्जेक्ट, उन्हें यूज़ किया गया था. ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आपका जो डिसीजन है वो इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए. सपोज आप एक स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, उसमें 20 आपके पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से 10 को आपने नई ड्रग देनी है और 10 को आपने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ड्रग देनी है जो कि मार्केट में पहले से प्रूव है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना होता है. तो अगर आप ये सोच के ये कर रहे हैं कि जो 10 लोग हमारी पहचान के हैं या जो जो आपके क्या है जिन जो प्रिविलेज्ड हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों को तो आप पुरानी ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, जो मार्केट में पहले से जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और जो आपके पुअर पॉपुलेशन है, पुअर स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी का, उन्हें आपने नई ड्रग दी है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपने किया है वो नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब इथिकल कमिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इथिकल कमिटी रिव्यू करती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज को भी रिव्यू करना कि पॉपुलेशन साइज कितना रखा गया है, इसमें से किनको क्या मेडिसिन मिलने वाली है, सारी चीजें पहले से होती हैं प्रोटोकॉल में. सो इथिकल कमिटी जो होती है अनबायस्ड होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज द डिग्निटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लाइफ ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी प्रोटेक्टेड. जो पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि अगर ये बिल्कुल रूल है कि आपकी स्टडी में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप उसका नेम और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करता है वो किसी मजबूरी में ही करता है. ठीक है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है नो डाउट, लेकिन वो मॉनेटरी बेनिफिट भी तो वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से ले रहा है. ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस इट इज लीगली रिक्वायर्ड. अगर लीगल रिक्वायरमेंट कभी आ जाती है कि लीगली आपको आपका जो कानूनन तौर पर आपको उसे रिलीज करना पड़ रहा है इंफॉर्मेशन को, तब आप कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास जो भी पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी में काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, उनके बारे में आप उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. ये आपका मेजर पॉइंट होना चाहिए. और लाइफ की जहां तक बात आती है, फिजिशियन जो इन्वेस्टिगेटर है उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि वो पेशेंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखे. ऐसा उसको ये नहीं देखना है कि उसकी स्टडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे ध्यान ये देखना है कि जो पार्टिसिपेंट है उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो उसे हर वो डिसीजन लेना है अपने जजमेंट के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस में, जो जो पार्टिसिपेंट के लिए आपके बेनिफिशियल हो, इस चीज को ध्यान में रखें. तो क्योंकि पहले जो हुआ करता था उसमें ये था,
स्टडी को प्रायोरिटी में लिया जाता था, आप पर्सन को नहीं देख रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया गया सीधे कि आपको इंडिविजुअल को प्रायोरिटी में लेना है, उसकी हेल्थ को, उसकी लाइफ को, उसके बेनिफिट्स को, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रिंसिपल था ऑफ नंबर कितने का आप कर लिया, हमने नंबर 6 कवर कर लिया है। नेक्स्ट वन जो 7 नंबर है आपका, वो ये बोल रहा है कि द इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन इन राइटिंग एंड पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरी इंटरवेंशन। जो इन्फॉर्म कंसेंट है आपको राइटिंग में लेना है। इन्फॉर्म कंसेंट मतलब आप, इन्फॉर्म कंसेंट मतलब क्या होता है, आप वॉलंटरी कंसेंट ले रहे हैं। आपने पहले जो पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी में आए हैं, अभी इनरोलमेंट उनका नहीं हुआ है, आपके पास आए कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फर्स्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले आप उन्हें क्या करो, इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में होता है सारा कुछ। बट समटाइम क्या होता है कि जो लैंग्वेज आपके फॉर्म में लिखी हुई है वो आपके जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, है ना। इन दैट केस आपने तो इन्फॉर्मेशन दे दी लेकिन दूसरे ने उसे कॉम्प्रेहेंड की या नहीं की नहीं पता, है ना। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि कन्वेइंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कन्वे करना, दूसरे हैंड में इस चीज को भी मेक श्योर करना कि दूसरा उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर समझा है, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंशन एंड द थर्ड पॉइंट इज वॉलेंट्री कॉन्सेंट। वॉलेंट्री इतना कुछ होने के बाद अब पार्टिसिपेंट इस चीज को डिसाइड करेगा वेदर ही और शी वॉन्ट टू इनरोल इन दिस स्टडी और नॉट, ठीक है। ये पूरा किसकी आपकी आप बोल सकते हो किसका ये राइट है, आपका ये राइट है पार्टिसिपेंट का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे ही नहीं कि आपने पार्टिसिपेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं और उससे इनरोल करा लिया धोखे से, बहुत टाइम होता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है उन्हें कि आपको कौन सी ड्रग दी जाएगी, देने के चांसेस, क्योंकि रैंडमाइज में यही होता है। रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में आपको ड्रग भी मिल सकती है, नई वाली पुरानी वाली भी मिल सकती है, प्लेसिबो भी मिल सकता है। सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी कि ये इंटरवेंशन है, इसके साथ ये रिस्क हो सकते हैं, ये बेनिफिट हो सकते हैं। तो अब आप अगर इसमें स्टडी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस वॉज द 7 पॉइंट। 8 पॉइंट इज मिनिमम यूज ऑफ प्लेसिबो। ये जो आपका प्लेसिबो, अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ये बोला गया कि जो प्लेसिबो है, प्लेसिबो मतलब डमी ड्रग, है ना, डम ड्रग होती है, इसमें कोई भी API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैं पहले भी बहुत बार हमने प्लेसिबो का जिक्र किया है कि जब भी क्या होता है कि हमारा साइकोलॉजिकल, बहुत टाइम हम क्या होते हैं साइकोलॉजिकली भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। आपने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को देखा होगा कि आपने सपोज उन्हें मेडिसिन, कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में, ये मेरे ही सामने का इंसिडेंस है, मैंने भी इसे फेस किया है। हॉस्पिटल में कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, एक ओल्ड लेडी थी, वो हॉस्पिटल में आ रही थी, ये मेरी ट्रेनिंग के टाइम का टाइम बात आपको बता रही हूँ मैं। तो हॉस्पिटल में जो वो लेडी आ रही थी, उन्हें वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मुझे आप ड्रिप चढ़ा दो, ठीक है। तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि ड्रिप की ज़रूरत तो है नहीं आपको, तो उन्होंने जनरली उनको मेडिसिन दे दी और बोला कि खाना अपना डाइट प्रॉपर रखें, तो सारी चीज़ें उन्हें बता दी थी। बट हुआ क्या, वो बार बार हर दिन वो क्या कर रही हैं, एवरी नेक्स्ट डे आई थिंक वो हॉस्पिटल में विजिट कर रही थी फॉर द सेम सिचुएशन। अब डॉक्टर ने सोचा ये ऐसे तो आपका उनका, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि जब तक मुझे ड्रिप नहीं चढ़ेगा तब तक मैं अच्छा फील नहीं करूंगी, है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया, केवल उनको एक, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ही एग्जाम्पल है, उन्हें केवल क्या किया, नॉर्मल सलाइन चढ़ा दिया, ठीक है, पानी की बोतल जनरली चढ़ा दी, और उसके बाद देखा क्या, सिंपल जो हमारा वाटर आता है, और उसके बाद देखा क्या कि उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोल रही थी कि अब मैं बिल्कुल सही महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद भी वो जब बाद में भी आई तो उसके बाद भी उनका फॉलोअप लिया गया, तो वो कॉन्स्टेंटली उनका एक ही आंसर था कि हाँ उसे लेने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो यही सेम स्टेटमेंट उनका था। तो नॉर्मल पानी की वजह से, नॉर्मल सलाइन की वजह से तो आपकी वीकनेस जाएगी नहीं, है ना। तो ये एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का, कि कुछ लोग साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं, तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करते हैं, प्लेसिबो को यूज करते हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को प्लेसिबो दे रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई ड्रग नहीं है लेकिन दे रहे हैं उसे, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद उसे एक्टिव ड्रग दे रहे हैं, और फिर दोनों के इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से वो अच्छा फील कर रहा है। हो सकता है जो इफेक्ट आ रहा है
वो ड्रग की वजह से नहीं, वो केवल प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आ रहा है, साइकोलॉजिकल है आपका, तो इसके लिए हम प्लेसिबो यूज करते हैं, ये हमें पता है। लेकिन डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी ने क्या बोला, इस डेक्लेरेशन में ये दिया था कि जो प्लेसिबो का यूज है वो मिनिमम करना है। ऑल्दो आगे आने वाले जो मैंने बताया आपका, जब रिविजन हुआ डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का 2000 के बाद वाला जो आपका रिविजन था, 2002 में जो रिविजन हुआ था, ऑब्वियसली वहां पर ये चीज इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया कि यू कैन यूज प्लेसिबो फॉर कंपैरिजन पर्पस। बट फिर भी आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो आई थी उसमें यही था कि प्लेसिबो का यूज आपको मिनिमम करना है, बिकॉज ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसे अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि जो प्लेसिबो आप जब यूज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो आपकी स्टडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको अगर 100 पॉपुलेशन से आपका काम चल रहा था, अगर आपने प्लेसिबो को यूज किया तो पार्टिसिपेंट और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपका पार्टिसिपेंट के नंबर को कम करने के लिए हो सकता है कि प्लेसिबो के यूज को रिकमेंड नहीं किया हो, या फिर प्लेसिबो को उतना इफेक्टिव माना ही नहीं गया उस टाइम पे। ये बात है आपकी 1964 की बात हो रही है ना, तो बाद में हालांकि इस चीज को इंक्लूड किया गया, लेकिन जो इनिशियल जो ओरिजिनल आपका डिक्लेरेशन था उसमें यही था कि जो प्लेसिबो का यूज है, मिनिमम यूज ऑफ प्लेसिबो इज रिकमेंडेड। ठीक है, प्लेसिबो का यूज मिनिमम करना है ये बोला गया था, स्टिल कॉन्ट्रोवर्सियल। ठीक है, नाइन्थ जो था वो है आपका पोस्ट ट्रायल असेस। पोस्ट ट्रायल असेस मतलब जब आपका कोई भी ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, सपोज ट्रायल ओवर हो गया, तो ट्रायल ओवर होने के बाद भी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको फुल असेस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि आपका ट्रायल हो गया अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये वाला नहीं चलेगा। आपको हमेशा आपको पोस्ट ट्रायल यानी कि ट्रायल के बाद भी अगर आपके पार्टिसिपेंट को मेडिकल इमरजेंसी की या किसी भी चीज़ की नीड है तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो दिस इज नोन एज पोस्ट ट्रायल असेस। ये आपका रूल था, गाइडलाइन थी इन दी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल was the results should be publicly available। जो भी आपने ये conduct कराया, जो भी clinical trial आपने conduct कराया, उसके जो result हैं वो publicly available होने चाहिए, so that कोई दूसरा उस चीज को अटेम्प्ट ना करे। मान लीजिए आपने कोई रिजल्ट, आपने कोई रिसर्च की और इन बिटवीन आप या फिर एट द एंड आपको पता चला कि ये रिजल्ट तो आपकी फेल हो गई, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, इसको भी आपको पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी हमारी रजिस्ट्रीज आती हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। इवन ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन रिवील करनी होती है, आपको इन बिटवीन भी आपको अपडेट करते रहना पड़ता है कि अभी ट्रायल में क्या चल रहा है, कौन सी फेज में है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि अननेसेसरी रिसोर्स को वेस्ट करे या फिर आपके पार्टिसिपेंट जो भी जिस भी टाइप का मनी वेस्टेज होता है, टाइम वेस्टेज होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको जो भी आपने रिसर्च की है, जो भी ट्रायल आपने परफॉर्म किया है, उसके रिजल्ट को पब्लिकली अवेलेबल आपको करना पड़ेगा। इन द ये आप बीच में भी कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट अगर क्लिनिकल ट्रायल आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इसका जो जर्नल्स होते हैं उसमें भी आप पब्लिकेशन में अपना रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल आप दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। मैक्सिमम हम ट्राई किया मैंने कि सारे पॉइंट्स आपके सामने आ सके कि क्या क्या डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में गिवन था। ठीक है, तो मेन इसमें जो फोकस हुआ था वो इथिकल कमिटी, जो एक बहुत रेवोल्यूशनरी आपका डिसीजन था कि इथिकल कमिटी का होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सेकेंड, प्लेसिबो का जो यूज है वो मिनिमम करने की बात यहाँ पे हुई थी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही है, बिकॉज प्लेसिबो का यूज करना आज की डेट पे हम बात करें तो प्लेसिबो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज हमें पता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नाम की भी कोई चीज है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है बेलमंट रिपोर्ट, जो कि इसी टाइप की एक और गाइडलाइन है जो इसके बाद आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके पीछे भी क्या हिस्ट्री है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग करेंगे डिस्कस। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।